वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज आप जी नूं असीं संगत जी दर्शन करा रहे हैं इतिहासिक गुरुद्वारा गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहिब। यह गुरुद्वारा साहिब तखत श्री हजूर साहब तो तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह देखो जी गुरुद्वारा से काफ़ी उच्चा बनया हुआ है, सानू सीढ़िया चढ़ के जाना पैना, काफ़ी उच्चा है। कोई लिफ्ट या कोई होर प्रबंध नहीं है बजुर्गों वास्ते। जे असी इस गुरुद्वारा साहिब जी के इतिहास वल झांत मारीे तो सानू पता चलता जदों गुरु नानक देव जी संगला दीप की यात्रा समय बिदर नू जा रहे सन तो गुरु साहब जी इस स्थान पर ठहरे सन। इतिहास के दौरान इस स्थान पर गुरु नानक देव जी के समय तो बहुत ही खजाना दबिया होया सी। जदों दसवें पातशाह जी इस स्थान पर आए तो उन्होंने यह खजाना गुरद्वारा संगत साहिब जाके अपनी सिख फौजा नू वंडिया, उन्होंने तनखावां दित्तियां। जिवें कि आप यह तस्वीर देख लो, इस तस्वीर पूरी यही चीज़ बयान कर रही है कि किदां कलगीधर पातशाह ने इत्थों दा दबिया खजाना अपने सिख फौजा विच वंडिया जा रहा है। देखो पूरा तस्वीर यही चीज़ बयान कर रही है। तो गुरु साहिब जी ने अपनी हत्थी इस खजाने नू अपनी प्यार वाली सिख फौजा विच वरत्या। सतसंग जी आ देखो मेन गुरुद्वारा साहिब जी की उसारी चल रही है, इत्थे पूरा पत्थर का काम चल रहा है। हुण आप जी देख सकते हो ऐ सारा गुरुद्वारा साहिब जी के आले दुआले का सीन देख लो, पूरा जंगल हैगा, खेतीबाड़ी भी कह लो तुसीं, और बहुत ही हरियाली हरियाली विच ऐ सोहना जिहा गुरुद्वारा बनया होया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।